सिंगरौली में अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन शिकंजा के तहत कार्रवाई की गई। कार्रवाई में 2 लाख कीमत की स्मैक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। कोतवाली टीआई अरुण पांडे ने मुखबिर की सूचना पर मादक पदार्थ स्मैक की तस्करी में लिप्त कश्ती निवासी सुनील कुशवा को गिरफ्तार किया और उसके पास से 10 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद की। मादक पदार्थ की अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत 2 लाख से अधिक बताई जा रही है। इस व्यक्ति के खिलाफ पहले भी नशे की तस्करी को लेकर कई शिकायतें पुलिस को मिल चुकी हैं। आरोपी के खिलाफ NDPS की धारा के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।